आज मैं ले गई बहुत ही मज़ेदार नाश्ते की रेसिपी। बहुत ही छोटी सी और सिंपल सी रेसिपी है, ये सिर्फ 10 मिनट में रेडी हो जाती है। इसे आज केवल एक कच्चे आलू से घर में रखे हुए कुछ बेसिक सामानों से ही बनाएंगे, फिर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे एक कच्चा आलू। आलू को यहाँ पे छील लिया है, अब इसको कद्दूकस कर लेंगे। आलू को कद्दूकस कर लिया है, अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे जो कि आलू काला ना पड़े, और अब इसे एक साइड रख देंगे। अब लेंगे कढ़ाई, इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल हो गया गरम, इसमें डालेंगे 1 चम्मच राई या फिर सरसों, आधी चम्मच जीरा, 2 चम्मच सफेद वाले तिल, आपके पास हो तो डालें वरना स्किप भी कर सकते हैं। इन सबको 1 मिनट के लिए भून लेंगे। 1 मिनट हो गए, अब डालेंगे इसमें आलू। आलू को इस तरह से निचोड़ के डालेंगे जो इसका पानी है वो सब निकल जाए। आलू को भी चला देंगे, आलू को भी चला दिया है। अब डालेंगे 1 कटोरी पानी, इसमें डालेंगे 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 चम्मच डालेंगे चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स ना हो तो लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, आधी चम्मच डालेंगे अजवाइन, अजवाइन से टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, नमक गिरेंगे स्वाद अनुसार या फिर 1 चम्मच। इन सबको मिक्स कर देंगे, यहाँ पर हो गया मिक्स, और पानी में उबाल ले लेंगे। पानी में भी आ गया उबाल, अब डालेंगे आधी कटोरी सूजी, आप यहाँ पे सूजी मोटी या बारीक कैसी भी ले सकते हैं, और सूजी को भी अच्छे से मिक्स करेंगे। सूजी भी होगी अच्छे से मिक्स, और देखिए सूजी ने कितनी जल्दी पानी सारा एब्जॉर्ब कर लिया है, और इसे जब तक चलाएंगे जब तक ये डो फॉर्म में ना जाए। अगर आपकी एक भी गुठली बननी हो तो कोई भी परेशानी की बात नहीं है, हम इसे बाद में ही मस लेंगे। सूजी आ गई डो फॉर्म में, और देखिए किस तरह से कंबाइंड हो रही है, और इसकी गैस कर देंगे बंद, और इसे प्लेट में निकाल लेंगे। सूजी को निकाल लिया है प्लेट में, अब डाल लेंगे धनिया पत्ती बारीक कटी हुई, हाथ पे लगा लेंगे हल्का सा ऑयल, इसे 1 मिनट के लिए मसल लेंगे। जब सूजी ठंडी हो जाए जब भी मसलना है, अगर सूजी गर्म होगी तो हाथ जल जाएंगे, इसलिए हमें सूजी ठंडी करके ही मसलना है। 1 मिनट हो गए और इसे अच्छे से मसल लिया है, अब हाथों पे फिर से ऑयल लगाएंगे। अब लेंगे इसमें थोड़ा सा पोर्शन, जितना बड़ा नींबू का साइज होता है उतना बड़ा, और अब इसको पहले गोल करेंगे। ये हो गया गोल, और इसे दोनों हाथ से हल्का सा प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद बीच में होल कर देंगे, इसे वड़े की शेप दे देंगे, दोनों साइड से होल कर देंगे इस तरह से। ये देखिए हमारा वड़ा नाश्ता बनके हो गया रेडी, और इसे रखते हैं प्लेट में, और अब दूसरा बनाते हैं। पहले लेंगे नींबू के साइज का पोर्शन, इसको पहले गोल करेंगे, बार बार हाथों पर ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको किस तरह की भी शेप दे सकते हैं जैसी भी आपको पसंद हो, आप चाहे तो गोल रख सकते हैं, मैं इसे वड़े की शेप दे रही हूँ। पहले से दोनों हाथों से प्रेस करेंगे, फिर बीच में कर देंगे होल दोनों साइड से, ये देखिए, और देखिए देखने में कितना मजेदार लग रहा है। इसी तरह सभी को रेडी कर लेंगे, सभी बड़े रेडी कर लिए हैं, अब बारी है इनको फ्राई करने की। गैस पे तेल मैंने पहले गर्म होने के लिए रख दिया था, तेल हो गया गर्म, अब इसमें अपने वड़े डाल देंगे। एक बार में जितने आ जाए उतने डाल देंगे। इस नाश्ते को हमें हाई गैस पे ही सेकना है, अगर लो गैस पे सेकेंगे तो सूजी तेल पी लेगी। अगर आपके यहाँ अचानक से मेहमान आ जाए, ये झटपट से बनने वाली नाश्ते की रेसिपी जरूर ट्राई करें, और बच्चों को आप किसी भी टाइम बना के दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगने लगती है। 1 मिनट के बाद इन्हें चम्मच से हल्का हल्का हिला देंगे जो ये आपस में चिपके ना, आपको लगे इनका कलर चेंज हो रहा है हल्का सा तो इन्हें पलट देंगे। इन्हें दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक लेंगे जब तक इनका कलर हल्का गोल्डन कलर का ना हो जाए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस नाश्ते का दोनों साइड से बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया ये देखिए, और अब इनको निकाल लेते, बाकियों को भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। बहुत ही मजेदार टेस्टी क्रिस्पी सा नाश्ता बनके हो गया रेडी, आप इसे चाय के साथ या फिर खट्टी मीठी चटनी के साथ खा सकते हैं। और मैं आपको एक तोड़ के दिखा देती हूँ ये कितने क्रिस्पी हैं। ये देखिए बाहर से क्रिस्पी और अंदर से हल्के से सॉफ्ट, ये देखिए,
और ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।